और आप देख रहे हैं क्वाइट इंटुइटिव मील्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी डोसा, जिसमें हमें दाल चावल भी नहीं भिगोना पड़ेगा और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ये बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप आटा डालेंगे और उसके भी हाफ डालेंगे हम इसमें सूजी, और सूजी का हाफ डालेंगे हम इसमें दही और थोड़ा सा नमक डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर ना ज़्यादा हम थिक रखेंगे और ना ही ज़्यादा हम पतला बनाएंगे, तो हम बिल्कुल जैसे डोसे का बैटर होता है बस उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। मुझे ज़्यादा डोसे नहीं बनाने हैं इसीलिए मैंने थोड़ा ही आटा लिया हुआ है। आपको अगर ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से 5 से 10 मिनट हमें फेंट लेना है जिससे इसके अंदर थोड़ी सी हवा आ जाए। तो बस अब इसे हम कंटिन्यू फेंटते रहेंगे। अगर हाथ दर्द हो रहा मेरी तरह तो थोड़ी देर रुक जाइएगा। तो देखिए ये फिट गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी और कम से कम 5 से 10 मिनट रख देंगे। इधर मैंने आलू का ये देखिए मसाला तैयार कर लिया है, इसको हम इन डोसों के अंदर रखेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा मसाला मैंने तैयार कर लिया है। तो इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। अब चलिए बैटर को चेक करते हैं। तो ये देखिए बैटर में अब जो है हम थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप क्या डाल सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छे से फेंट लेना है। कम से कम 5 मिनट के लिए ही बस इसको फेंटेंगे। तो ये देखिए मैंने फेंटा है तो ये फूल भी गया है पहले से। अब मैंने एक तवा गरमा लिया है, मीडियम आंच पे गरम किया है। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल के पूरे तवे पे अच्छे से फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे एक कपड़े से पोंछ देंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। अब हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे क्योंकि ये तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर भी हम इसे अच्छे से पोंछ देंगे। अब जो हम लोगों ने बैटर तैयार किया है उसको हम बिल्कुल बीच में डालेंगे और देखिए मैंने बीच से डालकर हल्का सा प्रेस करते हुए ऐसे गोल गोल घुमा लिया है। बिल्कुल आराम से घुमाइएगा, कोई जल्दी मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा देखिएगा। तो ये देखिए मैंने डोसे को फैला लिया है और ये ड्राई होना भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे। सबसे पहले किनारे लगाएंगे और बाद में हम इसमें बीच में लगा देंगे। तो जैसे ही हम ऑयल लगाएंगे तो ये क्रिस्प होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन लाइनें आना शुरू हो गई हैं। तो थोड़ी देर इसे क्रिस्प और होने देते हैं। जैसे ही ये अच्छे से ब्राउन लाइनें और ज़्यादा दिखने लग जाएं, कुछ इस तरीके से ब्राउन लाइनें दिख रही हैं और पहले से बहुत ज़्यादा दिखने लग गई हैं, अब हम इसको नीचे से निकाल लेते हैं। तो हम धीमे से इसे निकाल लेंगे, जैसे हम डोसे को निकालते बस उसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी है, पूरा का पूरा ही उठा जा रहा है। ये देखिए मैं आपको जल्दी से पलटा के दिखाती हूँ। बहुत गर्म था तो मैंने रख दिया। फटाफट से हम इस पर रेड चिली सॉस लगा देंगे। अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप कोई भी चटनी लगा लीजिए। और इसके ऊपर हमने जो आलू का मसाला तैयार किया था वो हम इस पर रख देंगे और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत गए, तो मैंने हल्के से जो है इस पर मसाला रख दिया है और हल्के हल्के से फैला दिया है। अब हम इस पर स्लाइस में कटा हुआ ये प्याज रख देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च नहीं खाते तो मत डालिएगा। और इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए कितना क्रिस्प है कि ये टूटा जा रहा है, बहुत ही कुरकुरा ये तैयार हुआ है। तो फटाफट से हम दूसरा भी बना लेंगे। मैंने फिर से जो है तवे को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी इस पर डाल दिया है और थोड़ा सा बैटर डालेंगे और फिर से ऐसे ही फैलाते रहेंगे गोल गोल करके। तो ये देखिए मैंने गोल गोल करके फैला दिया है। अब हम इस पर फटाफट से ऑयल लगा देंगे जिससे ये बहुत ही जल्दी कुरकुरा हो जाए। तो ऑयल भी मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद हम
फिर से थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि ब्राउन लाइनें आने का हमें वेट करना है। तो जैसे ही ब्राउन लाइनें आ जाएंगी वैसे ही हम इस पर अपना मसाला रख देंगे। तो देखिए मैंने इस पर मसाला रख दिया है क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे ब्राउन आ चुकी हैं। मसाला रख दिया है, इस पर मैंने चटनी नहीं लगाई हुई है, मतलब सॉस नहीं लगाया हुआ है, इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो मैंने इस पर प्याज रख दिया है, हरी मिर्च रख दी है, अब इसे भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैं पहले इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने निकाला, ये देखिए कितना कुरकुरा बना हुआ है, पूरा का पूरा ही फोल्ड हो करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इतना क्रिस्प बना है कि ये ऑटोमेटिक टूट रहा है। तो ये देखिए मैंने आलू के मसाले और दही के साथ इसे सर्व किया है, आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे खाइए। ये देखिए कितना कुरकुरा है और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल डोसे के जैसे लग रहा है। ये बहुत ही जल्दी ये वाला डोसा बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें हम दाल चावल नहीं भिगोते हैं। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में खाइए या जब भी आपको भूख लगे तब आप फटाफट से इस डोसे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मसाला कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा और इनो से भी ये डोसा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को बगैर बेकिंग पाउडर के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।